रिलेटिव मिनिमम पॉइंट ठीक है मिनिमम पॉइंट और ये जो पॉइंट है वो रिलेटिव क्या है मैक्सिमम है और ये हम किस तरह से फाइंड आउट करते थे क्योंकि हमें ये समझ आई थी कि अगर अगर आपकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव से शिफ्ट करती है पॉजिटिव से शिफ्ट करती है नेगेटिव की तरफ तो स्लोप क्या होती है वो जो उस पॉइंट पे वो पॉइंट क्या होता है रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट और अगर आपकी स्लोप नेगेटिव से यहां पे आप तो अगर आप देखें तो स्लोप नेगेटिव है स्लोप अगर नेगेटिव से शिफ्ट करती है पॉजिटिव में तो आपके पास वो पॉइंट क्या होगा रेलेटिविटिव लेकिन और ठीक है दिस इज वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस ठीक है यानी एक्स इज ए वाई जिकलू एक्स क्यूब का ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं तो ये वाइज एक्स क्यूब का ग्राफ है ठीक है

लेंगे दोनों साइड पे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रूट से कैंसिल मतलब है, है? को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं हम थोड़ा सा राइट साइड पे एक, एक नंबर सपोज करेंगे जीरो, वेरी नंबर, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है ठीक है अब इसके अंदर हम चेक करेंगे अगर मैं इसमें जीरो प्लस एप्सिलोन लेकर चेक करूं जीरो माइनस यानी अगर मैं यहां पे स्लोप चेक करूं इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं स्लोप चेक करूं तो क्या मेरी स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट करती है या नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट करती है इस चीज को स्टडी करने के लिए हम सपोज करते हैं जी लेट से पहले जीरो माइनस एप्सिलोन पे चेक करते हैं ठीक है तो एफ ऑफ जीरो माइनस एप्सिलोन विच इज इक्वल टू थ्री एक्स बिकॉज डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट पे तो थ्री एक्स थ्री एक्स मतलब है थ्री इन स्क्वेयर एक स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव नंबर ठीक है अच्छा अब इस केस के अंदर आप अगर आप बिकॉज नेगेटिव का स्क्वेयर जब हो जाए तो पॉजिटिव हो जाए तो, इसका मतलब दिस इस होल टर्म थ्री एप्सिलोन स्क्वेयर

जीरो से पहले जीरो से पहले वैल्यूज पे भी स्लोप आपकी पॉजिटिव है जीरो के बाद पे भी स्लोप आपकी पॉजिटिव है अब कोई शिफ्ट नहीं है अब ऐसा पॉइंट जिस पे आपकी शिफ्ट ना हो फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यूज शिफ्ट नहीं करी दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन ठीक है और इसी तरह से आ, अगर आप एक सिंगल ग्राफ के अंदर देखना, देखना चाह रहे हैं अगर आप सिंगल फंक्शन के अंदर देखना चाह रहे हैं ग्राफिकली तो आप यू समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राफ दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस और अगर आपका ग्राफ इस तरह से है ठीक है लोअर कनकेविटी कनकेविटी एंड देन अपर अगर आप देखें ठीक है लोअर कनकेविटी यानी यहाँ पे ग्राफ लोअर कनकेव इसकी जो शक्ल है इसकी जो कनकेव फॉर्म की तरह शक्ल है इसकी और ये लोअर साइड पे कनकेव है लोअर कनकेविटी कनकेविटी ठीक है और इसी तरह से इस केस में देखें तो ये क्या है अपर कनकेविटी अपर कनकेविटी सो बेसिकली कनकेविटी कनकेविटी तो बेसिकली आप देखते हैं कि लोअर कन यानी ऐसी ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी लोअर और अपर जो कनकेविटी उसमें ट्रांजिशन आती है दैट पॉइंट इज बेसिकली ये पॉइंट हमारे पास कल आता है पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन या डायरेक्ट फंक्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बाय फर्स्ट डेविटिव भी हम पॉइंट ऑफ इनफ्लैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं